वड़ी की रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। किस तरह से आप बना सकते हैं घर में वड़ियाँ। उड़द दाल की वड़ी की रेसिपी है ये। बहुत ही मसालेदार और चटपटी वड़ी है जिसको कि आप एक बार बनाकर रख लीजिए, पूरे साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। आप इससे सब्जियां बना सकते हैं, आप इससे कढ़ी बना सकते हैं। तो जो भी आप बनाएं, और जिस सीजन में भी सब्जियां महंगी हो जाती हैं या फिर नहीं मिल पाती, तो उस सीजन में आप इससे सब्जी आराम से बना सकते हैं। बेहद ही टेस्टी सब्जी बनती है इससे। कड़ी भी बनाते हैं बहुत सारे लोग, सूखी सब्जी बनाते हैं, रस की सब्जी बनाते हैं। तो कुछ भी आप बनाएं, बहुत अच्छी रेसिपी है। तो फटाफट से आप इस रेसिपी को बनाकर रख लीजिए। सीजन बहुत अच्छा है, धूप काफी तेज निकल रही है, तो आप इसको बनाकर रख लें। तो यहाँ पर इस वड़ी को बनाने के लिए हमने ली है बिना छिलके वाली उड़द की दाल। 500 ग्राम के करीब उड़द की दाल है, और इसको हमें अच्छे से 2 से 3 बार वॉश करना है। इसके बाद में रात भर इसको भीगने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको 7 से 8 घंटे तो भिगो ही दें। तो उड़द दाल के साथ यहाँ पर हम कुमड़े का यूज़ भी करेंगे, जिसको कि पेठा भी बोलते हैं, सफ़ेद कद्दू भी बोलते हैं। तो ये हम लेंगे, तो आधा किलो दाल के लिए हमें 1 किलो के करीब यहाँ पर पेठा चाहिए होगा। अब आइए मसालेदार वड़ी बना रहे हैं, तो मैं आपको मसाले दिखा देती हूँ। कुछ साबुत मसाले हमें लगेंगे, जिसमें 1 चम्मच हमें चाहिए होंगे साबुत काली मिर्च के दाने, 7 से 8 हमें बड़ी इलायची चाहिए होगी, 1 चम्मच के करीब हमें चाहिए होगा जीरा, साबुत जीरा है, कच्चा जीरा हमने लिया है, 10 से 12 हमें लौंग लगेंगी, हींग चाहिए होगी 1/4 चम्मच के करीब हम हींग डालेंगे, साथ ही हमें चाहिए होगा 4 से 5 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको हम घिसकर यूज करेंगे। तो ये थे सारे मसाले। अब आइए सबसे पहले पेठे को तैयार कर लेते हैं। तो पेठे को हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर कट करना होगा और इसके बीज को निकालना होगा। सबसे पहले हमें इसकी सफाई करनी होगी, तो सफाई में सबसे पहले हमें इसके बीज को हटाना होगा, साथ ही इसका जो छिलका है हरा हरा छिलका, उसको भी हमें हटाना होता है, और उसके बाद में हम इसको कद्दूकस करेंगे। तो ये जो सफ़ेद कद्दू है, जिसको कि कुमड़ा भी बोला जाता है, इससे पेठा भी बनाया जाता है। पेठे की रेसिपी भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। तो जब भी मैं आपको रेसिपी दूंगी तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी चेक कर सकते हैं, तो वहां पर भी आपको रेसिपी का लिंक मिल जाएगा। तो सफ़ेद कद्दू को सबसे पहले इस तरह से हमें घिस लेना है, कद्दूकस कर लेना है, और इसके बाद में इसको हम वड़ी बनाने में यूज़ करेंगे। तो सारा सफ़ेद कद्दू मैं देखिए यहाँ पर घिसवा रही हूँ, ये घिस जाएगा। और दाल को भी हम पीस कर, बिना पानी के पीस कर तैयार कर लेते हैं। इसके बाद में हम इससे वड़ी बनाना शुरू करेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ तैयारी हमें और करनी होगी। इसके लिए देखिए यहाँ पर वड़ी सुखाने के लिए आप चाहें तो इस तरह की स्टील की प्लेट्स भी ले सकते हैं, परात ले सकते हैं, थालियाँ ले सकते हैं, कोई अगर आपके पास इस तरह की ट्रे हो वो ले सकते हैं, प्लास्टिक की शीट ले सकते हैं, कपड़ा ले सकते हैं, कोई भी पुराना दुपट्टा हो, साड़ी हो, कोई भी ले लें, और उसको वड़ियों को इस पर सुखाना है। साथ ही देखिए जो हमने खड़े मसाले लिए थे गरम मसाले, वो इस तरह से तवे पर डालकर थोड़ा सा भून लेंगे 2 मिनट धीमी आंच पर। अदरक को मैंने अलग कर दिया है, साथ ही हींग को भी मैंने छोड़ दिया है। तो सारे सूखे खड़े मसालों को सबसे पहले लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट भून लें, ठंडा करके मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डालकर दरदरा पीस लें। देखिए यहाँ पर खड़े मसाले हमारे पिसकर तैयार हैं, इसको हम वड़ी में यूज़ करेंगे। तो बहुत ही मसालेदार और चटपटी हमारी वड़ी बनेगी, और सोचिए जब इससे हम सब्जी बनाएंगे तो कितना मज़ा आएगा खाने में। तो देखिए यहाँ पर सफ़ेद कद्दू को सभी को मैंने घिस लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम डाल देते हैं इस तरह से कपड़े में, और इसमें से हमें थोड़ा सा पानी निकालना होगा। पूरी तरीके से पानी नहीं निचोड़ना है, हमें थोड़ा सा ही पानी निचोड़ना है। तो देखिए इस तरह से पोटली बनाकर पानी थोड़ा सा हम निचोड़ देंगे। पूरा पानी अगर आप निचोड़ देंगे तो जब इसको हम दाल के साथ मिलाएंगे तो जो पिट्ठी है हमारी, जो हमारा मिक्सचर है, बहुत टाइट हो जाएगा। इसलिए पानी हमें हल्का ही निकालना है, और जो पानी हमारा बच रहा है, जो आप निकाल रहे हैं, निचोड़ रहे हैं, उसको फेंकना नहीं है, उसको स्टोर कर लीजिए, क्योंकि उसको भी वड़ी बनाने में आप यूज हो सकता है, उसका भी काम आए। तो इसको साइड में रख दें। अब देखिए दाल हमारी भीग चुकी है, पूरी रात भर हमने इसको भिगोया था, तभी जो हमारी दाल है अच्छे से भीग पाती है। अब इसका पानी आप अलग कर दें, और इसको आप चाहें तो मिक्सी में पीस सकते हैं बिना पानी के, या फिर सिल पर पीस लें, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे तो वो काम आप कर सकते हैं। तो दाल को पीस कर तैयार करें। यहाँ पर देखिए गरम मसाला तो हमने पहले ही रेडी कर लिया था, तो मैंने पीस कर रख लिया है इसको। साथ ही यहाँ पर अदरक को घिस लिया है, और 1 चम्मच के करीब मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी ले ली है। 4 से 5 मैंने लाल मिर्च ली, साबुत लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, और उसको मैंने कूट लिया और वो ले लिया। तो इससे बहुत ही हमारी जो वड़ियाँ हैं देखने में टेस्टी लगती हैं, मसालेदार लगती हैं, और इससे सब्जी बनाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और 1/4 चम्मच के करीब यहाँ पर हमने हींग भी ले ली है निकाल कर। तो वड़ी बनाना हम शुरू कर रहे हैं। तो दाल को पीस कर हमने रेडी कर लिया है, साथ ही जो हमने कद्दू लिया था सफ़ेद कद्दू, वो भी मिला लेंगे।
अब आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर काफी टाइट है, तो जो सफेद कद्दू का पानी है उसको आप फेंटने में यूज कर सकते हैं। हमें इस मिक्सचर को बहुत अच्छे से सबसे पहले मिक्स करना होगा और इसके बाद में फेंटना बहुत जरूरी है। जितना आप दाल को अच्छे से फेंट लेंगे कद्दू के साथ, तो उतनी ही हमारी जो वड़ियां हैं टेस्टी बनेंगी, सॉफ्ट बनेंगी, फोकी बनेंगी। मिक्स करना है अच्छे से। अगर आपको मिक्सचर बहुत टाइट लगे तो सफेद कद्दू के पानी का आप यूज कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था, कभी कभी जो दाल होती है बहुत ज्यादा मिक्सी में पीसने से पतली हो जाती है और कद्दू में भी पानी होता है तो आपका मिक्सचर बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा, इसलिए आप सफेद कद्दू में से पानी हटा दें। और पानी का अगर यूज लगे तो आप कभी भी मिला सकते हैं। एक चम्मच के करीब हम इसमें यहाँ पर ऐड करेंगे खट्टा दही। खट्टा दही डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। ये मैं इसलिए यहाँ पर ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत से लोग जो दाल होती है उसको ओवरनाइट फर्मेंट करते हैं, मैंने यहाँ पर नहीं किया है, तो अपने मिक्सचर को खटास देने के लिए मैंने इसमें एक चम्मच के करीब खट्टा दही डाल दिया है। साथ ही देखिए मसाले भी हमने डाल दिए हैं और सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से अब इसे हमें फेंटना है। लगभग 10 से 12 मिनट तक हम इसको फेंटेंगे और पानी में डालकर चेक करेंगे। अगर हमारा मिक्सचर ऊपर आ रहा है, पानी के ऊपर फ्लोट हो रहा है, इसका मतलब हमारा मिक्सचर बहुत अच्छे से फिट चुका है, दाल फिटकर हल्की हो चुकी है। अच्छे से देखिए हमने इसको फेटा, आप देख सकते हैं, और पानी का भी काफ़ी यूज़ हुआ है। बाहर के पानी का नहीं लिया है मैंने, बाहर का कोई पानी यूज़ नहीं करेंगे हम, सफ़ेद पेठे का ही पानी मैंने लिया था। और देखिए अच्छे से मिक्सचर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फिट चुका है। इसको मैंने पानी में डालकर देखा, ऊपर फ्लोट होने लगा। अब हम क्या करेंगे, वड़ियाँ हम इससे देंगे। तो इस तरह से वड़ी दे सकते हैं कपड़े के ऊपर, तो दूर दूर लगभग 1 इंच की दूरी आपको रखनी होगी वड़ियों के बीच में, और इसको हम धूप में सुखाएंगे। जिस दिन तेज धूप निकली हो तो उसी दिन कोशिश करें वड़ी बनाएं, तभी जो हमारी वड़ी है ये साल भर तक स्टोर आप कर पाएंगे, क्योंकि उड़द दाल बहुत जल्दी खराब होती है, इसको बहुत तेज धूप की जरूरत पड़ती है सूखने के लिए। तो तुरंत से बनाकर आप इसको धूप में सुखा दें। छांव में बना सकते हैं, घर के अंदर बना सकते हैं, और धूप में इसके बाद सुखा दें। मैंने भी कुछ ऐसे ही किया है, इसको घर के अंदर बनाया है और बाद में मैंने इसको धूप में सुखा दिया। पूरे 2 से 3 दिन लगते हैं इसको सूखने में। 2 दिन में तो ये सूखी जाती है इस तरह से, पर तीसरे दिन की धूप आप इनको ज़रूर दिखाएं, क्योंकि जो भी कमी रह जाएगी सूखने में तो वो पूरी हो जाएगी। 3 दिन की धूप पूरी तरीके से दिखा दीजिए और इसके बाद ही आप इसको एयरटाइट बॉक्स में भर कर रखें और आप इसको साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। तो बनाकर देखिए मेरी ये रखिया वड़ी की रेसिपी, उड़द दाल की वड़ी की रेसिपी, कुम्हरौड़ी की रेसिपी और कुमड़ा वड़ी की रेसिपी, जो भी आप इसको बोलें, बनाकर देखें, खाकर देखें और मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। आई होप यू विल लाइक दिस रेसिपी। और साथ ही इससे बनी सब्जी की रेसिपी, साथ ही कड़ी की रेसिपी भी बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन विद न्यू रेसिपी। बाय बाय, लव यू।